हेलो फ्रेंड्स आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर तो ये पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं पंजाब रोटर डम भर्स भूरपा क्रिकेट क्लब के बीच जो टी टेन मैच खेला जाने वाले हैं कल दोपहर को साढ़े बारह बजे और ढाई बजे फैनकोट ई सी एस का ये पाँचवा और छठा मैच खेला जाने वाला है कल यहाँ पर स्पोर्ट्स पार्क नैदरलैंड्स पर तो इस वीडियो में हम इस मैच के बारे में सारे डिटेल्स पर बात करेंगे पिच रिपोर्ट क्या रहेंगे यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अच्छा रहेंगे और कौन कौन से प्लेयर को आप स्मॉल लीग पर मस्ट पिक रहेंगे आपकी टीम पर और आपको गैन लीग पर कौन कौन से प्लेयर को लेना चाहिए तो सारे बात हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया कि दो मैच खेला जाएगा एक साढ़े बारह बजे और एक ढाई बजे और इधर एकदम क्लियर रहने वाले हैं स्पोर्ट्स पार्क नीदरलैंड पर ये मैच खेला जाएगा मतलब ये ये लीग का सारे मैच यहाँ पर खेला जाने वाले हैं पिच रिपोर्ट की बात करें यहाँ से बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाले हैं यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्री थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पर रान्स ज़्यादा बनेंगे हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहने वाला है और साथ ही साथ आपको यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को आपके टीम पर लेना पड़ेगा क्योंकि एक तो है कि टी टेन पर ऑलराउंडर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे के जिताएंगे और दो दो नंबर की बात यहाँ पर क्या होता है जो ऑलराउंडर सेक्शन में प्लेयर्स होते हैं अगर ए वन डाउन बैटिंग आए या टू डाउन बैटिंग आए और साथ में दो वट डाले तो उस टाइप का प्लेयर्स को आपकी टीम पर ज्यादा रखना पड़ेगा तो अभी चलते हैं यहाँ पर पीआर मतलब पंजाब रोटरडम के जो प्रॉब्लम पी से रहने वाले हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं यहाँ पर ए झुलफिकार आई भाटी एस झुलफिकर एस माई वर्क एस सेड आई इस्लाम आई उल्लाह एस इकबाल एस सलर जई एम हुसैन तो यहाँ से जो पिछला साल परफॉर्मेंस हुआ था उससे मुताबिक हमने ये प्लेइंग एलेवेन अभी बनाया है लेकिन फाइनल न्यूज अभी नहीं आया है तो फाइनल न्यूज सारे अपडेट्स और फाइनल टीम्स जिस टीम के साथ हम खेलते हैं तो वो टीम पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए आपको आप जाइए टेलीग्राम पर वहाँ से एट द रेट टर्ग फंडासी लिख के सर्च कीजिए और थर्टी सेवन प्लस सब्सक्राइबर वाला जो चैनल आएंगे वही हमारा चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए तो अगर आपको और आपको लिंक चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो तो पी आर की तरफ से मतलब पंजाब रोटाटर्म की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए मास्टपिक रहने वाले हैं यहाँ पर है आई भट्टी एस जुल्फिकार आई इस्लाम एस इकबाल और एम हुसैन तो ये प्लेयर्स आपके लिए स्मॉल लीग पर मास्ट पिक रहेंगे साथ ही साथ आप इसको ग्रैंड लीग पर भी ट्राई कर सकते हो तो यहाँ से एस माईबर्ग भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनकर आएंगे ये शायद नीदरलैंड्स का जो नेशनल प्लेयर टीम है उसका ही प्लेयर है तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है यहाँ पर तो चलते हैं भूरबा क्रिकेट क्लब की प्रॉब्लम प्लेइंग से की तरफ यहाँ पर है एम आहमेद एफ डी लंच एन गिगानी एच भुगलर ए सिंह एस अहमद आर वाहिद बी किंगमा एन सिंह ए कॉसिम टी डी ग्रोथ तो यहाँ से आपके लिए मस्ट पिक बन जाएंगे एक सिंग, ए कॉसिंग एन सिंह ए सिंह आर वाहिद एफ डी लंच एन गिगानी और एम अहमद तो यहाँ पर हमने इतना सारा प्लेयर्स क्यों बताया क्योंकि इनका जो मैच आज हुआ है तो इनमें से दो मैच में इन प्लेयर्स ने अच्छे परफॉर्मेंस किया है तो इसलिए हमने आपको ऑप्शन में इतना प्लेयर दिया लेकिन हम जब टीम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स बता देंगे कि कौन कौन से प्लेयर रह, रहने वाला है टीम पर तो फिलहाल ये टीम रह रहेंगे और ये प्लेयर सबके लिए अच्छे रहेंगे स्मॉल लीग की जो बेस्ट कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी चॉइस रहने वाला है तो उनमें से एम नादिम है आर वाहिद है और ए साहमिद है तो ये तीन प्लेयर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाले हैं ग्रैंड लीग पिक्स की बात करें यहाँ से एस माइबर्क है एन गिगानी है और एक क्वासिम है तो एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एस माईबर्क अगर खेले तो ये आपके लिए स्मॉल लीग पर भी अच्छा ऑप्शन बनकर रहेंगे क्योंकि ये एक नेशनल प्लेयर है जैसे कि इसका जो बहुत ही एक्सपीरियंस है इनके पास और ये अच्छा कर सकता है क्योंकि बाकी प्लेयरों से ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनके पास तो इसलिए ये अच्छा कर सकता है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फाइनल टीम के लिए तो अभी चलते है डीवीन की तरफ तो वहां से आपको टीम बनाएंगे एक यहां पर देखिए आपके टीम पर रहेंगे यहां पर बी डिलीट एम नादिम और यहाँ से ए जुलफिकर तो ये तीन ऑप्शन आपको विकेट कीपर सेक्शन पर मिल जाएंगे यहाँ से आपको पिक करना है एम नदीम और आप चाहे तो दो विकेट कीपर ले सकते हो क्योंकि इन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए पिछला मैच में तो फिलहाल हमारे टीम पर एक ही विकेट कीपर रहेंगे चलते बैटिंग सेक्शन की तरफ तो यहाँ से हमारे टीम पर रहेंगे आई भट्टी एस जुल्फिकर एस वाई तो फिलहाल हमने एस जूल को ड्रॉप डाउन कर रहे हैं क्योंकि अगर प्लेइंग एलेवन आ जाए तो उसके बाद हम चूज़ करेंगे लेकिन अभी तो सिर्फ लोगों ने परसेंटेज के हिसाब से इनको लेके रखा है और नौ केड है इसलिए इनको लोगों ने पिक कर लिया है और इन गिगाने रहेंगे ये तीन बैट्समैन फिलहाल हमारे टीम पर रहेंगे चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ तो यहाँ से हमारे टीम पर रहेंगे एस अहमद आर वाहिद और यहाँ पर आई इस्लाम बॉलिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं यहाँ पर एन सिंह एस इकबाल भी किंगमा और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे ए कासिम तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपने ग्रैंडलिक्स पर आई भाटी को ड्रॉप करके वहाँ से और एक बैट्समैन जो है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ए सिंह है इसको आप ले सकते हो तभी आपको एक बॉलर को ड्रॉप करना पड़ेगा और अगर आप चाहिए तो यहाँ से एस जुलफ़िकर और आर जुलफ़िकर अगर खेले तो इन दोनों को भी ले सकते हो अभी चलते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी चॉइस पर तो यहाँ से आपके डिफॉल्ट चॉइस हो जाएंगे आर तो दोनों मैच में ही अच्छे पॉइंट्स दिया है ए सहमत ये दोनों आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन पिक हो जाएंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टन सी चॉइस पर आप चाहे तो एस माई बार को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो तो फिलहाल हमारे टीम पर एक आर वाहिद और एस अहमद ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे क्योंकि ये हमने एक डेमो टीम बना बना रहा हूँ तो इसलिए फिलहाल हमारे टीम पर आर वाहिद और एस अहमद कैप्टन या वाइस कैप्टन रहेंगे आप चाहे तो एक बार यहाँ पर आपको प्रिव्यू दिखा देता हूँ एम नादिम है एस माईबार एन गिगानी आई भाटी आर वाहिद एस अहमद आई इस्लाम, बी किंग मा ए कसिम एन सिंह एस इकबाल तो यहाँ पर आप चाहे तो स्मॉल लिख पर भी एस माइबर को ट्राई कर सकते हो और आई भाट्टी को भी ट्राई कर सकते हो एस इस्लाम के साथ आई सॉरी आई इस्लाम के साथ यहाँ पर आपके लिए ग्रैंड लिख पर और एक अच्छा ऑप्शन बन जाएंगे आई कौसिम आहमेद ए इसकबाल ये आपके पास ग्रैंड लिख के ऑप्शन बन जाएंगे तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही आप आ, प्लेइंग इलेवन आने तक वेट कीजिए और टॉस की मतलब अपडेट तक वेट कीजिए उसके बाद टीमर आए क्योंकि नए टीम है कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं तो इसलिए थोड़ा अपडेटेड रहना और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े रहना सारे अपडेट्स के लिए और फाइनल टीम के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही थैंक यू सो मच और एक अच्छा सा टीम बनाओ और अच्छा सा विनिंग करो थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो पर